क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हमारी दुनिया से परे किसी और का अस्तित्व है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आज हम ऐसे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जिसने सदियों से हम इंसानों के मन में अनगिनत सवाल उठाए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे रहस्यों की उस गहराई तक जहां असलियत और कल्पना का फर्क मिट जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको हमारे ब्रह्मांड के एक ऐसे हिस्से की झलक दिखाएगा जिसे समझना अभी भी हमारे लिए एक रहस्य है। साल 1947 में एक किसान ने अपनी ज़मीन पर एक अजीबोगरीब मलबा देखा। कुछ दिन बाद US आर्मी ने इसे रडार बैलून बताया जो कि मौसम की जानकारी के लिए भेजा गया था। लेकिन इसके बाद मीडिया में कई रिपोर्ट सामने आईं जिसमें दावा किया गया कि यह एक UFO था और यह किसी एलियन स्पेसक्राफ्ट का मलबा था। पहले तो आर्मी ने इसे हवाई मलबा बताया, लेकिन बाद में साल 1970 में कुछ दस्तावेजों और गवाहों के बयान सामने आए जिन्होंने इस घटना के बारे में एक नया सवाल उठाया। 1990 में US गवर्नमेंट ने इस घटना को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया कि एक मौसम रडार बैलून का हिस्सा था जो एक रहस्यमय मिलिट्री प्रोग्राम था। लेकिन बहुत से लोग आज भी मानते हैं कि इस घटना में सरकार ने आज भी बहुत कुछ छुपाया है। लोगों के अनुसार हादसे के बाद एलियन की डेड बॉडी को भी छुपा लिया गया। अब तक इस घटना की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई। हालांकि बहुत से लोग इसे एक UFO मानते हैं, जबकि सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह केवल एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम था। इस घटना को लेकर बहुत से सवाल आज भी अनसुलझे हैं और इसे UFO और एलियंस के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। वहीं दिसंबर 1980 में US एयरफोर्स के कुछ सैनिकों ने रेंडल सेम बन के पास एक अचानक अनोखी रोशनी और अधूरे आकार वाली वस्तु देखकर वे स्तब्ध रह गए। ये घटना एक रात नहीं, दो रात घटी। पहली रात लेफ्टिनेंट चार्ल्स हॉट ने एक बहुत तेज रोशनी देखी जो जमीन के कुछ ऊपर से आ रही थी। जब वे उसके पास गए तो उन्होंने एक चमकदार वस्तु को देखा जो एक तस्तरी के आकार की थी। यह वस्तु बहुत तेजी से हवा में घूम रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। इसके बाद ऑफिसर आसपास के जंगलों से कुछ मलबे पाए जिसे बाद में UFO का मलबा कहा गया। वहीं दूसरी रात जब लेफ्टिनेंट और उनके सहयोगी अधिकारी उसी क्षेत्र में गए और उन्होंने फिर से वही रोशनी और वस्तु को देखा। इस बार रोशनी जमीन के पास थी और कुछ समय बाद वह अचानक विशाल चमकदार पिरामिड जैसा बन गया। अधिकारी उसके पास पहुंचे, लेकिन जैसे उसके पास गए रोशनी गायब हो गई। इसके बाद उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी और कुछ अजीब रेडियो वेव्स को भी महसूस किया जिसकी आवाज़ को लेफ्टिनेंट हॉल्ट ने रिकॉर्ड भी किया। इस घटना की सच्चाई आज भी एक रहस्य का कारण है। क्या आपको लगता है कि UFO वास्तविक हैं या बस मन की कल्पना? क्या आपने कभी UFO देखा है? क्या सरकारें UFO और एलियंस की जानकारी छुपा रही हैं? क्या आपके हिसाब से UFO का असली रूप कैसा हो सकता है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। दोस्तों, UFO का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी ऐसी उड़न तस्तरियाँ जिसकी पहचान नहीं की जा सकती। सबसे पहले UFO का मामला साल 1947 में सामने आया जब अमेरिका के अनरॉल्ड ने एक अजीबोगरीब उड़न तस्तरी देखी। इसके बाद से दुनिया भर में सैकड़ों और हजारों UFO की रिपोर्ट सामने आने लगी। क्या यह सिर्फ भ्रम है या इसके पीछे कुछ सच है? साइंटिस्टों की माने तो हर बार UFO को समझना आसान नहीं होता। अक्सर ये चीज़ें ऑप्टिकल इल्यूजन या फिर प्राकृतिक कारणों की वजह से होती हैं, जैसे कि उल्काएँ, ग्रहों की रोशनी या फिर हवाई जहाज़ के उड़ने की रोशनी। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं सामने हैं जिसके लिए आज तक कोई क्लैरिटी नहीं मिली। अमेरिका, रसिया, यहाँ तक कि भारत में भी कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जो UFOs और एलियंस के होने की संभावनाओं पर बात करते हैं। साल 2020 में US डिफेंस एजेंसी पेंटागन ने भी कुछ वीडियोज को रिकॉर्ड किया जो कि अब तक साइंटिस्टों के लिए एक रहस्य बने हुए हैं। अगर हम मान लें कि यह घटना असली है तो इसका मतलब कि एलियंस का अस्तित्व है। कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है, कहीं ना कहीं एलियंस होना लगभग संभव है। SETI जैसे प्रोजेक्ट इसी की खोज में लगे हुए हैं कि क्या हम किसी अन्य प्लैनेट पर
जीवन की संभावना तलाश कर सकते हैं। साल 1947 की रोसवेल की घटना, साल 1997 की फिनिक्स लाइट की घटना, साल 1980 की रेंडल सेम जंगल की घटना और न जाने ऐसी कितनी घटनाएं आज भी यूएफओज और एलियंस के अस्तित्व का रहस्य बने हुए हैं। साइंस इन रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। क्या सच में हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर किसी और प्लैनेट पर लाइफ मौजूद है? हमें उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग रहस्य के साथ लौटेंगे। आपका जीवन खुशहाल हो, आपका दिन शानदार बीते। धन्यवाद।